नमस्कार दोस्तों, वीजा ऑफ इको स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड करते हुए 8 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अगर आप भी हमारे थ्रू अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, विजिट अवर वेबसाइट tbostudy.com। उसके बाद आपने फॉलो करना है स्टेप नंबर 2। वेबसाइट पे आपने एक बेसिक सा वीडियो काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट करना है, जिसमें आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, ब्रांच सेलेक्ट करनी और जिस कंट्री की एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो कंट्री सिलेक्ट करके उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 3, आपको काउंसलर की लिस्ट अवेलेबल होगी जो वीडियो काउंसलिंग के लिए आपको शो होगी। आपने किसी एक नाम पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आपकी वीडियो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे स्टाफ के साथ। दोस्तों, वेबसाइट को याद रखिए tbostudy.com और अपना स्टूडेंट वीजा का एप्लीकेशन आज ही स्टार्ट कीजिए। इस वेबसाइट के बिना हमारा हेल्पलाइन भी नंबर आप नोट कर सकते हैं, नंबर है 9041090410। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस खास शो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफी लंबे इंतजार के बाद VFS सेंटर्स आखिरकार खुल गए हैं। आज के शो में बात करेंगे कि VFS सेंटर्स में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं, अगर आए हैं तो वो क्या है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रंजीत सिंह बाल। रंजीत जी स्वागत है। नमस्कार जी। रंजीत जी, क्या प्रोसेस है फिलहाल VFS में अप्लाई करने का और क्या कोई बदलाव भी किए गए हैं? देखिए, सबसे तो पहले ये बहुत बड़ी न्यूज है, बच्चों को काफी टाइम से वेट था कि जनवरी टेक की क्लासेस आगे आ रही हैं, अप्रूवल से आनी है, ALP आना नहीं है और VFS सेंटर नहीं खुल रहे। हालांकि अगर बात करें तो 13 नवंबर को जो लास्ट ट्वीट आया था, जब दादर पटेल की जो कनाडा के हाई कमिश्नर है टू इंडिया, उन्होंने क्लियर किया था कि VFS को लेके वीकली अपडेट आती रहेगी एंड वो वर्क कर रहे हैं ऑटावा सेंटर के साथ, कैपिटल है कनाडा की जहां से मिनिस्ट्री के सारे काम ऑपरेट होते हैं, प्लस सर्विस प्रोवाइडर VFS ग्लोबल की कैसे चीजों को स्टार्ट करना है फेज वाइज। उसी अनाउंसमेंट के बाद अगली अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 20 नवंबर से VFS ग्लोबल अपनी वर्किंग स्टार्ट कर चुके हैं, आगे चलती अपॉइंटमेंट मिलनी स्टार्ट होगी। लेकिन पहले मैं क्लियर कर दूं कि फर्स्ट फेज में ये फेज वाइज होना उन्होंने पहले क्लियर किया था, तो फेज वाइज ही चीजें चलनी है। एकदम से नहीं है कि सारे स्टूडेंट ऑल ऑफ सडन अपॉइंटमेंट मिलेगी और वो चले जाएंगे वहां पे बायोमेट्रिक देने, ये स्टेप वाइज रहेगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। लेकिन सबसे अच्छी न्यूज यही है कि VFS सेंटर फाइनली ओपन हो चुके हैं। मई टेक वाले बच्चे, उनको एडवाइस है अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जनवरी वाले बच्चे बहुत जल्दी फ्लाई करने वाले हैं और आगे इनटेक में रश पड़ने वाला है। मई वाले बच्चों के लिए भी आइडिया है, मेरे पास टिप्स है कि आपको अपना एडमिशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। वीजा ऑफिस के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट tbostudy.com पे जाके, जहां हमारा हेल्पलाइन नंबर 9041090410 पे कॉल कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी न्यूज है, VFS सेंटर फाइनली वर्किंग। जी, VFS सेंटर में क्या बदलाव आए हैं, जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसमें? देखिए, काफी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, VFS सेंटर तो ओपन हो गए लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि ऑफर जो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी है वो लॉगिन पे जाते हैं, वहां पे पहले की तरह कोई सिस्टम ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि वो अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, कहीं से बच्चों को ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही। मेरी कोशिश है कि आपको मैं इसमें डिटेल में बता दूं। पहली बात है, आपके पास बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर बिल आपके पास आया होगा, नहीं आया तो जब तक वो नहीं आता अगला स्टेप आपका नहीं होना। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर के ऊपर एक यूनिक नंबर होता है, आपका एप्लीकेशन नंबर, अगर आप ध्यान से देखते हो तो टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा होता है। जिनको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ चुके हैं उनको सेकंड ईमेल आ रही है इंस्ट्रक्शंस की, जरूरी नहीं है क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि कैसे कैसे बुक करना है, उसी इंस्ट्रक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। करना क्या है कि आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, वहां जाके आपने अपना सेंटर चूज करना है, कौन से सेंटर में बायोमेट्रिक प्रोवाइड करने हैं, एंड मोर ओवर आपको अपना बिल नंबर में जैसे बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर का जो नंबर होता है वो उसमें मेंशन करना जरूरी है। अगर आप वो लिखोगे, मेंशन करोगे तो ही आपको आगे स्लॉट के जो ऑप्शन मिलेंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को यूज करना, लॉगिन बना के आप आगे VFS ग्लोबल पे साइट पे जाके अपना बायोमेट्रिक सेंटर, फॉर एग्जांपल जलंधर, चंडीगढ़, जो भी चूज करते हो, उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा वेब फॉर्म। जी हाँ, जैसे IRCC की वेबसाइट पे आता था वेब फॉर्म, वैसे वहां पे वेब फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसी को फॉलो करके आगे आपको अपॉइंटमेंट के स्लॉट मिले। जो मैं आपको लॉगिन की डिटेल बता रहा था वो वेब फॉर्म को क्लिक करने के बाद ही वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर का नंबर। अब जब आपके पास स्लॉट आएंगे, अभी नहीं आने क्योंकि 2nd of December से दिखेंगे, अभी स्टूडेंट ट्राई भी करेंगे अगर बिल नंबर लिख के तो उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि राइट नाउ जो सर्विस स्टार्ट हुई है अभी इनिशियल फेज में
वो हुई है फैमिली क्लास एप्लीकेशंस के लिए। सो स्टूडेंट की बारी आएगी 2 दिसंबर से, तब से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। एंड एक चीज का दोस्तों ध्यान रखना, इस बार सिस्टम थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। पहले की तरह अनलिमिटेड स्लॉट नहीं मिलने वाले। आपने जब वेब फॉर्म सबमिट करना है, साथ में आपको अपना बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भी सबमिट करना पड़ेगा एज ए प्रूफ, उसके बाद ही आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी। सो अपॉइंटमेंट का स्लॉट आपको लिमिटेड मिलेगा, कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाले, ना ही आपको दिन चुनने के ऑप्शन कुछ ज्यादा मिलेंगे। पहले था आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होते थे। और एक और चीज, आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे, बीएफएस जाना है, आपने अपना पासपोर्ट लेके, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर लेके, साथ में आपने अपने जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो लेके जाना है। सो बायोमेट्रिक प्रोवाइड करने के बाद बायोमेट्रिक आपके 2 दिन के अंदर अंदर वैसे सेम डे अपलोड हो जाते हैं। आपको अप्रूवल कब आएगी, जब आपका इंस्टीट्यूट उस लिस्ट में आ जाएगा तो आपको आगे अप्रूवल आ जाएगी, फाइनल अप्रूवल। लेकिन रीशेड्यूल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपने सही सुना, इस बार जो स्लॉट मिलेगा वही फाइनल है, क्योंकि रश बहुत रहना है। और वीएफएस ग्लोबल ने इंस्ट्रक्शंस की जो ईमेल आ रही है, जब आपको आएगी आप डिटेल में पढ़ना, उसमें स्टेप के साथ उन्होंने क्लियर लिखा है रीशेड्यूल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सो ट्राई जो आपको मिला शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग जाए, अदरवाइज क्योंकि रीशेड्यूल ऐसा नहीं है कि बच्चे प्रोवाइड नहीं कर सकते, टाइम लगेगा, महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं और आपका जनरी टेक मिस हो जाएगा। सो इस बार अपॉइंटमेंट सिस्टम थोड़ा सीरियस होके चलेगा। प्रॉपरली जो स्लॉट मिलता है उसको बुक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग वहां जाके बायोमेट्रिक प्रोवाइड कीजिए और अपना कनाडा पढ़ने का ड्रीम जो है उसको पूरा कीजिए। फाइनली आप ट्रेवल करोगे और मई टेक वाले बच्चे आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए, मई टेक के ऑफर स्टार्ट हो गया, रश बहुत है। वीजा ऑफिस की वेबसाइट tbostudy.com पे जाइए और डिटेल में बाकी की इन्फॉर्मेशन आप वीडियो काउंसलिंग के जरिए ले सकते हैं जी। सो दोस्तों, और भी कोई VFS से रिलेटेड अपडेट जैसे ही हमें मिलेगा तो हम लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।